तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे आपकी मध्य प्रदेश त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 में गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बात और मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखा तो आप ये समझिएगा कि आप दोस्तों 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे दोस्तों गणित विषय में। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल और केवल मेरे द्वारा जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं इनको बहुत अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है। आप सब लोगों ने अगर दोस्तों इतना याद कर लिया तो आप ये समझिएगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है कक्षा नौवीं गणित विषय का। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि आपका कक्षा नौवीं का गणित विषय का क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनाया गया है और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं और क्या क्या उनके उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में वहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखेंगे ताकि दोस्तों आपको पूरा आपका क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर आपको समझ में आ सकें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर कक्षा 9 में गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से परीक्षा में से आपसे पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से परीक्षाओं में से आपसे पूछे जाएंगे और इनकी तैयारी आपको कैसे कर लेनी चाहिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं समझते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से परीक्षाओं में से आपसे पूछे जाएंगे। आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को फेक वीडियो ना समझें, आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखें। मैं जहां से आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं इसी जगह से दोस्तों आपका पेपर बनाया गया है, तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट समय तक जरूर देखें और दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ में इनके उत्तर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा दोस्तों सर्वप्रथम आपको गणित विषय में कक्षा 9 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो सही विकल्प यहीं पर इनके उत्तर भी दिए गए हैं दोस्तों, इसी जगह से आपके उत्तर बनाए गए हैं, क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से सेट किए गए हैं। बस दोस्तों आपको इसके उत्तर वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग यहाँ से इनके उत्तर को नोट कर लें बराबर, और आगे आप लोग देख पा रहे हो कुछ ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके उत्तर भी यहीं पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही रहा, और इसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप लोग यहां से नोट कर लेंगे, तो आप सब लोग इनको नोट कर लें। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी, तो आप लोग इस जगह से रिक्त स्थानों की पूर्ति को नोट कर लेंगे। तो देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति में सर्वप्रथम आपको इनके उत्तर भी यहीं पर देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग इनके उत्तर को नोट कर लेंगे। ये दोस्तों इनके उत्तर लिखे गए हैं, आप लोग यहां से इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति के साथ साथ में इनके उत्तर को भी नोट कर लेंगे। पर दोस्तों आपको 6 उत्तर नोट कर लेने चाहिए, पूरा पेपर आपका दोस्तों इसी प्रकार का बनाया जाएगा, तो आप लोग यहां से इनके उत्तर को नोट कर लेंगे पूरा। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, इनको भी आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन दिखे गए हैं, यहीं पर दोस्तों इनके उत्तर भी लिखे हैं, तो आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। आगे आप लोग देख पा रहे हो समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोणों बराबर होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। और उसी के अलावा आगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से दोस्तों इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और इनके उत्तर को भी नोट कर लेंगे। पूरा पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, आप लोग इतने ज़रूर याद कर ले, कम से कम 6-7 को आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो आप लोग यहां से इनको देखेंगे और नोट कर लेंगे, और एक शब्द ये एक वाक्य में उत्तर आप दोस्तों यहां से इनको नोट कर ले पूरा, इस प्रकार से दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चलिएगा अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और दोस्तों आपके जो ब्रिज कोर्स में से क्वेश्चन आएंगे परीक्षाओं में आप लोग इनको देख लें पूरा का पूरा, दोस्तों यहाँ पर इसका हल भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। और उसके अलावा आगे ये दिया गया है, ये पूरा का पूरा दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों इसका हल लिखा गया है, तो आप लोग इसको देख लेंगे पूरा, इस आधार पर दोस्तों आपको इसका उत्तर तैयार कर लेना है। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों आपके ब्रिज कोर्स में से ही पूछे जाएंगे,
तो आप लोग पूरा इस ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसे देख लेंगे पूरा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा, आप लोग इसको भी देख लें। और इसी के नीचे दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आप लोग इसको भी देख लें। ब्रिज कोर्स में से दोस्तों आपसे इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, आप दोस्तों मेरे बताए गए तरीके के अनुसार पढ़ाई जरूर करें, ताकि दोस्तों आप सब लोग कक्षा 9वीं में पूरे दोस्तों गणित विषय में से 75 में से 75 अंक ला सकें। तो इसलिए चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग इसको देख लेंगे। तो इसी के अलावा आगे कुछ क्वेश्चन ये दे रखा है, जैसे कि प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, आशा 250 पन्नों वाली एक किताब के 75 पन्ने पढ़ती है, बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा ये बताइएगा। तो आप लोग इसको देख लें और इस प्रकार का इसका उत्तर होगा, आप सब लोग इसको देख लेंगे। और उसी के नीचे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसका उत्तर भी यहीं पर दिया गया है, तो आप कम से कम दोस्तों इनको ज़रूर देख लें। खासकर दोस्तों आपका जो अभी त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होगा, उसमें आपको ये पूरे के पूरे सवाल और इनके उत्तर इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। वहाँ पर कुल मिला के आप ये मान लीजिएगा कि आपको मैं जो दिखा रहा हूँ दोस्तों, पूरा पेपर आपका यहीं से बनाया गया है। तो आप सब लोग यहाँ पर जो जो क्वेश्चन दिखाए गए हैं, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेंगे और समझ लेंगे। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देखा, तो आप ये समझिएगा कि आपके दोस्तों पूरे 75 अंक में से 75 अंक आने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा ज़रूर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15-16 को आप लोग देख सकते हो, और उसी के अलावा यहाँ पे 17-18 नंबर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। आपका जो पेपर होगा ना, ये उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख सकते हो। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इनको देखेंगे और इनको याद कर लेंगे। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरा का पूरा दोस्तों ये आपका ब्रिज कोर्स का सोल्यूशन है। और आपके पास में भी अगर ब्रिज कोर्स की पुस्तक हो, आपके स्कूल से अगर मिली हो, तो आप लोग उसको ज़रूर मिलान कर लें। ये इसी प्रकार के सवाल दोस्तों उसमें दिए गए हैं और ये आपसे दोस्तों परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ज़्यादा नहीं, केवल और केवल दोस्तों आपको मैं यहाँ पर 30 ही क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों 23 क्वेश्चन तो आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो आप लोग इनको देख लें, ये 29वां क्वेश्चन है और दोस्तों ये आपका 30वां क्वेश्चन है, आप लोग इनको देख लेंगे। पूरा पेपर दोस्तों आपका इसी प्रकार से होगा और ये इसका परिमाप निकालने को पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया, तो आप ये समझिएगा कि आपकी परीक्षा में दोस्तों बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका पूरा पेपर जो है इसी जगह से बनाया गया है, आप सब लोग इसको देखेंगे और पूरा नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पेपर में तो सिर्फ 23 ही क्वेश्चन आएंगे, पर सर तो हमें 32 तक के क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, यानी कि इसी जगह से आपका क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। मगर दोस्तों इनमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको परीक्षाओं में नहीं देखने को मिले, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको सारी चीज़ें दिखा दूं, ताकि आपसे दोस्तों कुछ भी ना छूटे। तो आप लोग इतना ज़रूर इसको याद कर लें, पूरा आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का बनकर आएगा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।